स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक स्टार में। तो आज हम क्लास 12th के हिंदी का चैप्टर चालू करने वाले हैं और चैप्टर जो है उसमें हम लेखक परिचय को देखेंगे। तो लेखक परिचय में हम लोग बातचीत चैप्टर, यानी लेखक परिचय में हम लोग कौन सा चैप्टर, तो बातचीत चैप्टर, बातचीत जो चैप्टर है इसका हम लोग लेखक परिचय देखेंगे। अगर इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग लेखक परिचय से, यहाँ से सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम यहाँ पर जो लेखक परिचय है उसको सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले बातचीत जो पाठ है इसके लेखक कौन है, तो बातचीत पाठ के जो लेखक है वो है बालकृष्ण भट्ट जी। बातचीत पाठ के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है यहीं से पूछा जाता है कि बातचीत पाठ के जो है लेखक आखिर कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट। इनका जन्म कब हुआ है ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जन्म आखिर कब हुआ है, तो 23 जून कब हुआ है, तो 23 जून 1844 को। और इनके पिताजी का नाम भी पूछा जाता है, पिताजी का भी नाम बहुत बार पूछा गया है कि पिता का नाम क्या है, तो बेनी प्रसाद भट्ट। याद रखिएगा पिताजी का नाम क्या है, तो बेनी प्रसाद भट्ट। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ये यहाँ से सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो जो जो इम्पोर्टेंट है हम बताते चलेंगे कि क्या क्या आखिर इसमें इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको लेखक का नाम याद कर लेना है, तो लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट बातचीत पाठ के, और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है। और इनका जन्म जो हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को कब हुआ था, तो 23 जून 1844 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु यानी कि निधन आखिर कब हुई थी, तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को, 20 जुलाई। आप यहाँ पर रिलेट कर पा रहे होंगे कि जन्म हुआ था जून में, देखिए जून में जन्म हुआ था और मृत्यु जुलाई में, और साल यहाँ पर देखिए 1844 है और मृत्यु 1914 और 3 दिन पहले, देखिए 3 दिन पहले यहाँ पर हो चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पर 20 जुलाई 1914 को हुआ था, यहाँ से रिलेट करके याद कर सकते हैं डेट को। और इसका निवास स्थान आखिर कहाँ था, आखिर इसका घर जो था वो कहाँ पर था, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कहाँ था। तो आपको याद रखना है कि बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान जो था इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में था, कहाँ पर, तो इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। इनका निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में था। और इनकी प्रमुख रचनाएं, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनती है, तो यहाँ पर आपको रचना को देखना है, बहुत ही जरूरी है। इनका 3 मुख्य उपन्यास, नाटक और प्रहसन को हम लोग देखेंगे कि उपन्यास में कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है और प्रहसन से कौन कौन सा रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि रहस्य कथा किनकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट की। नूतन ब्रह्मचारी ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया, नूतन ब्रह्मचारी याद रखिएगा, नूतन ब्रह्मचारी भी इनकी रचना, क्या है, तो उपन्यास है। पूछेगा कि नूतन ब्रह्मचारी किनका उपन्यास है, तो आपको याद रखना होगा कि ये बालकृष्ण भट्ट का है। ये भी बहुत बार पूछा गया है, 100 अजान 1 सुजान, ये भी पिछले साल का अगर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन अगर आप देखिएगा खोलकर, तो आपको ये मिलेगा, 100 अजान 1 सुजान, गुप्त बैरी। ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सबको याद रखना है, ठीक है। ये सभी जो है बालकृष्ण भट्ट जी का उपन्यास है, ठीक है। 100 अजान 1 सुजान, रसातल यात्रा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, आप लोग देखिएगा जो प्रीवियस ईयर कर लीजिएगा तो उसमें। उचित दक्षिणा ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी इनकी रचना है। सद्भाव का अभाव, हमारी घड़ी, ये भी इम्पोर्टेंट है, सद्भाव का अभाव। ये यहाँ से उपन्यास से चार, इनका 4 से 5 जो है, ये 5 उपन्यास इनका आप लोग जरूर नाम याद रखिएगा कि ये किनकी उपन्यास है, पूछा जाता है आप लोग के एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद हम लोग नाटक की ओर बढ़ते हैं। नाटक में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इनका पद्मावती। पद्मावती को किसने लिखा है, तो आपको याद रखना है पद्मावती को बालकृष्ण भट्ट ने लिखा, ठीक है, पद्मावती। उसके बाद वेणी संहार, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये नाटक आपसे पूछा जाएगा कि वेणी संहार आखिर किनका रचना है, तो याद रखिएगा कि वेणी संहार जो है यह बालकृष्ण भट्ट जी का रचना है। उसके बाद ये चंद्रसेन भी जो नाटक है किनकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट जी का। शिशुपाल का वध भी जो है किनका रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट जी का। उसके बाद सीता वनवास कौन, तो सीता वनवास आप लोग याद रखिएगा, सीता वनवास भी जो है बालकृष्ण भट्ट का है। पहले हम लोग लेखक परिचय को देखेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर को लाइन बाय लाइन जो है आपको एक्सप्लेनेशन देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा करवाएंगे, वहां पर आपको सारा चीज दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और उसके बाद रेल का भी कट खेल,
ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नाटक है, पूछता है आप लोगों से, ऑब्जेक्टिव में रहता है कि रेल का विकट खेल किसकी रचना है। प्रीपीडीएफ नोट्स लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। उसका देखिए ये प्रश्न, प्रश्न भी इनका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि बहुत बार पूछा जाता है। जैसा काम वैसा परिणाम, प्रश्न में बस एक यही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसा काम वैसा परिणाम बालकृष्ण भट्ट जी का है, ठीक है। नई रोशनी का विष, नई रोशनी का विष भी है इन्हीं का प्रश्न है। उसके बाद आचार विडम्बन और भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, इत्यादि इसीलिए मैंने लिख दिया है। तो आशा करते हैं आपको ये लेखक परिचय बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसको कॉपी में लिखकर नोट करके याद कर लीजिएगा। अगर फ्री पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, टाइप नोट्स चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन होइएगा। दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।